जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ इंस्पिरेशन में मोहनीश मनीषी। जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके होंगे कि सत्यासी मिशन की तरफ से मैं हूं मुग्धर बार, जो कि मुग्धर का एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो या किसी भी उम्र का महिला या पुरुष हो, तो उनके लिए कोर्स है। बात करते हैं कि ये कोर्स आगे किसके लिए है, मतलब कि जो मुग्धर घुमाता है या जिसको मुग्धर घुमाना नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये अभी जो मैं हूँ मुग्धर बाज है, इसके अंदर कई सारी सीरीज़ हैं। तो अभी जो कोर्स आया है वो आपका आया है लेवल वन का, बाकी फ्यूचर में भी कोर्स आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक पर क्लिक करके पूछ सकते हैं। तो जो आपका जो इसकी स्टेज वन है वो है बिगनर्स के लिए। बिगनर मतलब कि जिसने आता है मुग्धर चलाया नहीं है। तो आपने पहले भी वीडियो देख चुके होंगे कि भाई हाउ टू चूज अ फर्स्ट मुग्धर, अपना पहला मुग्धर कैसे चूज़ करें, तो वो भी आपको एक डिटेल गाइडेंस दी गई है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपना पहला मुग्धर आपने कभी ख़रीदा नहीं है तो अपना पहला मुग्धर आप कैसे चूज़ करें, किस वेट का चूज़ करें। तो ये जो स्टेज है ये है आपकी बिगनर के लिए, जिन्हें आपने मुग्धर घुमाया नहीं है, जो मुग्धर बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहता है। इसी स्टेज में आपको मुग्धर की जो एक्सरसाइज हैं, बाइसेप्स की हो गई, ट्राइसेप्स की हो गई, और आपका शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करें मुग्धर से, जो मुग्धर का डबल हैंड का स्विंग है, डबल हैंड से जितनी भी आपकी मुग्धर की स्विंग की एक्सरसाइज हो सकती हैं वो आपको बताया गया। और इस तरीके की आपको कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक हो गई कि भाई अगर हम मुग्धर करते हैं तो मुग्धर के बाद अपने मुग्धर करने के बाद अपने आपको रिलैक्स कैसे करें, बॉडी की मालिश कैसे करें, क्योंकि मालिश कोई बताता नहीं है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ आपको बताई गई हैं। तो ये बात तो पक्की है कि कोर्स में आपको मज़ा आने वाला है। और देखो कितने कहने को आप कुछ भी कह लो, लेकिन सच बात यह है कि मुग्धर से अच्छा व्यायाम कोई भी नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यायाम है, पूरी कला है इसमें, कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने वर्कआउट करा आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर आपको अलग से बाइसेप्स की एक्सरसाइज आपको अलग से करनी है, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज आपको अलग से करनी है। एक मुग्धर के स्विंग में ही आपकी सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाती हैं, मतलब सिर से लेकर आपकी पैर तक की। तो कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ आप जाके पूछ सकते हैं। नंबर भी दे रखे हैं, आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई और डाउट रहता है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा कोर्स के बारे में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।